मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट एजुकेशन जो तुम अपने आप को दे सकते हो वो है ट्रैवल। कि थोड़ा पैसा कमाओ, नौकरी करो, थोड़ा पैसा कमाओ, छुट्टी लो, जाओ बाहर, देख के आओ कि कैसी दुनिया चलती है। वो बहुत ज़रूरी है एजुकेट करना अपने आप को। उनकी प्रॉब्लम्स होंगे या स्टूडेंट होंगे जो भी है, तो उनको आप क्या एडवाइस देंगे जो बड़े सपने देखता है, मे भी उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, डाउट करता है अपने आप को? सपने देखो और सपने को रियलिटी करो। आगे फेलियर आदे देर अ थिंग दैट आई लर्न, लाइक 60-70% ऑफ द पीपल फेल बिफोर इवन स्टार्टिंग द बिजनेस। वो शुरू शुरू करने से पहले ही फेल हो जाते हैं, दिमाग में ही फेल हो जाते हैं, पहली हार मान पहले ही लेते हार मान लो, क्योंकि इसमें इतनी प्रॉब्लम आएगी, ये तो ऐसे होगा नहीं। बैग बन मेरे को अगर करना होता कि मैं बैग 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 ब्रांड क्यों बनाऊंगा, मैं कुछ और बनाता। कितने सारे बैग ब्रांड हैं दुनिया में, तो मैं क्या कर लूँगा, मैं कौन से तीर मार लूँगा बैग ब्रांड बनाने के। वो मैं अगर ऐसे सोचता तो मैं पहले ही हार जाता, क्योंकि लॉजिक सेज नहीं बनाना चाहिए। मगर वही इंस्टिंक्ट पे जाओ, हार मत मानो। क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तुमने कुछ आइडिया आया, तुमने ट्राई मारा, नहीं हुआ, अगले पे चले जाना। टांग एम्पूटेट करके तो नहीं दी ना किसी और को कि अगले पूरी ज़िंदगी लंगड़े रह गए। तो हाथ पैर हैं, आगे बढ़ना, अगली चीज़ में, अगली चीज़ पे जाओ। कितनी बारी आई जस्ट फील दैट, और लोगों की बातें मत सुनो, अपनी इंस्टिंक्ट पे जाओ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और आपने बोला यंगस्टर्स को क्या सलाह दो, और शुरू में बता दिया कि ड्रॉप आउट है, नहीं तो तो ये ड्रॉप इसलिए आउट कि ड्रॉप एट आउट, लेकिन नॉर्मली जब देखते हैं IIT का है, IIM का है, या पेरेंट्स के पास अच्छे रिसोर्सेज थे, बट जब नॉर्मल इंडिया क्या है, कॉलेज में स्ट्रगल कर रही है, मे बी इतनी अच्छी जॉब नहीं लग रही है। हाँ, बट बहुत ज़रूरी होता है पढ़ना एक तरीके से। अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ और मोड़ आए होते, मैं भी पूरा कॉलेज करके फिर चेक करता हूँ। नौकरी मिल गई, अच्छी चांस की बात थी, कोई प्लान नहीं था ऐसे कोई छोड़ने का पढ़ाई। मैं बोलूँगा कि नौकरी करना बहुत ज़रूरी है, जो भी सुन रहा है इसको, क्योंकि उससे एक्सपीरियंस मिलता है। तुम अपना पैसा खर्च के क्यों किसी किसी और का पैसा खर्चने, तो तुम सीखो, तुम सीखो, वो सीखना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल आधे से लोग काम ही नहीं करना चाहते, कॉलेज कॉलेज से पास आउट होए मैं अपना बिजनेस करूँगा, क्या करूँगा, जो भी करूँगा, आधे से ज़्यादा फेल होंगे। क्योंकि अगर तुम्हें रियल लाइफ का एक्सपीरियंस ही नहीं है तो कैसे। मैंने 3 साल घुटने रगड़ के काम करा है, और उसके बाद 4 साल कोई और छोटा सा बिजनेस करा था, एक्सपीरियंस गेन करा है। उसके बाद मैंने अपना बिजनेस 31 साल की उम्र पे शुरू करा था, जो लेट है। आधे से लोग 22 साल पे शुरू कर लेते हैं, 23 साल पे बिना तीस दोस्त। साल तक सब खत्म। हाँ, वो चीज़ मेरे को समझ नहीं आती आजकल के लोग। मेरे पास भी जो स्टूडेंट आते हैं कॉलेज के, और जो हर जगह से आते हैं, वो बोलते हैं मेरे को ये सैलरी चाहिए। मेरा क्यों, क्या एक्सपीरियंस है, कोई एक्सपीरियंस, मैं कॉलेज आया हूँ, पर क्यों भाई, एक्सपीरियंस तो बताओ ना मेरे को। रियल लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है तो सैलरी किस तरीके से डिमांड कर रहे हो। बट वो है, डिमांड है, क्योंकि इतने सारे ब्रांड्स खुल गए हैं, स्टार्टअप इतने सारे हैं, फंडिंग ने सबको बिगाड़ दिया है, इन्वेस्टर का पैसा है। इन्वेस्टर के पैसा है। तो फिर मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशन जो तुम अपने आप को दे सकते हो वो है ट्रैवल। कि थोड़ा पैसा कमाओ, नौकरी करो, थोड़ा पैसा कमाओ, छुट्टी लो, जाओ बाहर, देख के आओ कि कैसी दुनिया चलती है। वो बहुत ज़रूरी है एजुकेट करना अपने आप को। कोई स्मॉल टाउन से आते हैं, स्मॉल टाउन में इतनी वो ऑप्शंस नहीं होते देखने के लिए। तो अगर तुम कोई स्मॉल टाउन में रह रहे हो, तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हें बॉम्बे आना है, दिल्ली आना है, देखने ब्रांड्स देखने, चीज़ें करने, थोड़े इवॉल्व करना, आके करो। इंटरनेट से सब कुछ नहीं मिलती ज़िंदगी, यहाँ पर आके अगर बड़ी सिटी में आओगे पता चलेगा कितने का क्या बिक रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा नॉलेज बढ़ती है। और अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो बाहर जाना तो बाहर जाके आओ, अब तो सब कुछ आसान है, ट्रैवल करना आसान है। तो वो हंगर होना चाहिए सीखने का, तो अगर वो नहीं है तब तुम क्या कर पाओगे। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मैं तो खुद अभी तक सीख रहा हूँ। मेरे को जब भी कोई मौका मिलता है मैं तो भाग जाता हूँ 2 सेकंड में, कि
कि मेरे को 5 दिन दे दो, मेरे को 5 दिन जाना, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्रिएटिविटी बिल्कुल डेड हो गई है।